हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्विक ट्रैप। माय नेम इज शाहरुख सैफी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारी ये सीरीज चल रही है वो क्लास 12 सोशियोलॉजी की फर्स्ट बुक की सीरीज चल रही है, जिसमें मैं आपको करवा रहा हूँ चैप्टर नंबर 2, यानी कि भारतीय समाज की जनसांख्यिकी संरचना। तो फ्रेंड्स, लास्ट 2 वीडियो में मैंने इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी कंप्लीट करा दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप अपने स्क्रीन पर दिख रहे आई बटन पर क्लिक करके या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पार्ट 1 और पार्ट 2 देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको कवर कराऊंगा पार्ट 3, जो कि इस लेसन का होने वाला आखिरी पार्ट। तो आइए फिर बिना किसी देरी के साथ हम आज के इस लेसन को शुरू करते हैं। अब जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं चैप्टर कंटेंट लिस्ट के बारे में, तो पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने ऑलरेडी लास्ट 2 वीडियो में कंप्लीट करा दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप अपनी स्क्रीन पर दिख रहे आई बटन पर क्लिक करके इन पार्ट 1 और पार्ट 2 को देख सकते हैं। आज जो मैं आपको करा रहा हूँ वो इस लेसन का आखिरी पार्ट है, जो है हमारा पार्ट 3। तो इसके कुछ टॉपिक है तो आप देख सकते हैं। आइए फिर शुरू करते हैं सबसे पहले ग्रामीण समुदाय के बारे में। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं अपना पहला टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है ग्रामीण समुदाय यानी कि रूरल कम्युनिटी के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो भारत है वो गांवों का देश है, क्योंकि देश की आबादी की कुल जनसंख्या का 3/4 भाग ग्रामीण क्षेत्रों में ही निवास करता है। अगर आंकड़े की बात की जाए तो 2011 के आंकड़ों के अनुसार 68% लोग गाँव में रहते हैं और 32% लोग शहरों में निवास करते हैं। तो आप इसका अंदाजा लगा सकते हो कि रेशियो जो है वो किसके तरफ ज्यादा जा रहा है, यानी गांव के तरफ ज्यादा जाया जा रहा है। अगर बात की जाए भारतीय समाज की, तो यहाँ पर मुख्यतः 3 प्रकार के समुदाय देखने को मिलते हैं। सबसे पहले ग्रामीण, फिर नगरीय, और जो तीसरा समुदाय है वो है जनजातीय। अब ये जनजातीय समुदाय कौन सा है भला? तो देखिए, जो लोग जंगलों में निवास करते हैं जिन्हें हम ट्राइब्स कहते हैं, तो उन तीसरी कैटेगरी में उन्हें रखा गया है, जिनके लिए अलग से कानून भी सरकार द्वारा बनाया गया है। यह माना जाता है कि जब से मानव ने अपने घुमंतू जीवन को छोड़कर एक स्थान पर रहकर कृषि कार्य को स्थायी रूप से अपनाया है, तभी से गांव का विकास हुआ है। इससे पहले मानव अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए झुंड बनाकर एक स्थान से दूसरे स्थान में जाता था और अपना जीवन व्यतीत करता था। जैसा कि आप भी जानते हैं कि जो प्राचीन टाइम था उस समय लोग कोई भी एक स्थान पर रुका नहीं करते थे। जब उनके खाने की आवश्यकता पूरी हो जाती थी तो वह उस स्थान को छोड़ दिया करते थे, और ऐसे ही लोगों को खाना बदोश कहा जाता था। लेकिन क्या हुआ कि जब लोगों ने कृषि के काम में हाथ डाला तो उसमें क्या होता था कि कृषि की देखभाल के लिए मनुष्य की मौजूदगी वहाँ पर होना अति आवश्यक होता था, वरना फसल खराब हो सकती थी। तो इसलिए कृषि के पास, यानी जहाँ लोग खेती करते थे, उन्होंने वहाँ पर अपना घर बना लिया, यानी एक हल्का सा या फिर ये नॉर्मल सा झोपड़पट्टी बना ली, जिसके कारण देखरेख में लोग धीरे धीरे आते गए और बस्ती का निर्माण हो गया, और बस्ती से ही गांव का निर्माण हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि प्राचीन टाइम जो है वो किस तरीके से गाँव का निर्माण करता है। आगे हम जानते हैं ग्रामीण समुदायों की विशेषताओं के बारे में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं सबसे पहला पॉइंट जो है वो है प्राथमिक संबंध, यानी कि प्राइमरी रिलेशन। तो देखिए, इसमें क्या होता है कि ग्रामीण समुदायों में व्यक्तियों में प्राथमिक संबंध पाए जाते हैं। गांवों का आकार लघु व सीमित होने के कारण, यानी कि छोटा और लिमिटेड होने के कारण, प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे को व्यक्तिगत रूप से जानते और पहचानते हैं, और इसी कारण इनमें काफ़ी मजबूत संबंध देखने को मिलते हैं। और साथ ही इनका जो आधार होता है, यानी जो इनके रिलेशन होते हैं, वो पड़ोसी, नातेदारी, परिवार, इनसे संबंधित होते हैं। और ये लोगों में क्या होता है कि एक दूसरे के बीच में सहयोग की भावना ज़्यादा देखने को मिलती है। दूसरा हम पॉइंट देखते हैं सीमित आकार, यानी कि लिमिटेड साइज। तो देखिए, ग्रामीण समुदायों में व्यक्ति प्रकृति के ऊपर निर्भर रहते हैं। प्रकृति पर प्रत्यक्ष निर्भरता ही इस समुदाय के आकार को छोटा व सीमित बनाती है, क्योंकि क्या होता है कि जो कृषि होती है उसी के ऊपर सारा जीवन इनका बेस्ड होता है, और इसी कारण यहाँ पे क्या होता है कि उसी भूमि के आसपास ये लोग अपना घर बनाते हैं, जिस कारण उनके गांव का आकार छोटा देखने को मिलता है, ताकि फसल अच्छी की जा सके। तीसरा हम देखते हैं कृषि जो होता है वो मुख्य व्यवसाय होता है ग्रामीण समुदायों के लोगों के लिए। तो जैसा कि आप भी जानते हैं भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो भारत में ग्रामीण समुदाय होते हैं उनका मुख्य व्यवसाय कृषि ही होता है। यहाँ पर 68% लोग प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष, यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट
रूप से कृषि व्यवसाय में लगे होते हैं या यूं कह लिया जाए उनके ऊपर डिपेंड होते हैं। गांव में कृषि व्यवसाय जो होता है वो मुख्य व्यवसाय माना जाता है, परंतु इसके साथ कुछ लोग दूसरे व्यवसाय भी करते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पे मिट्टी के बर्तन, गुड़, रस्सी, चटाई व वस्त्र बनाना इत्यादि काम भी किया करते हैं। भारतवर्ष की बात करें तो कृषि प्राकृतिक के साधनों पर निर्भर करती है। यदि प्राकृतिक जो परिस्थितियां हैं, यानी कि जो नेचर से रिलेटेड जो सिचुएशन है, अगर वह अनुकूल रही यानी फेवर में रही तो क्या होता है, कृषि ज़्यादा अच्छी देखने को मिलती है। यदि वो प्रतिकूल रही यानी कि अगेंस्ट रही तो क्या होता है, कृषि में क्या होता है, संकट पैदा हो जाता है, फसल अच्छी नहीं हो पाती, जिस कारण किसानों को और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ जाती है। फोर्थ पॉइंट है सरल जीवन यानी कि सिंपल लिविंग। तो क्या होता है कि ग्रामीण व्यक्तियों का जीवन सरल व सादा होता है, और ये क्या करते हैं कि गांव के लोग नहरों की तड़क भड़क व चमक दमक की बनावटी जीवन से दूर होते हैं। कहने का मतलब यही है कि ये अपने परिवार और अपने समुदायों के आदर्शों की रक्षा करते हैं, और इन लोगों की जो आवश्यकता होती है वो भी क्या होती है, सीमित देखने को मिलती है। और खासकर क्या कहा जाता है कि गांव के लोग नगरों के जीवन को पसंद नहीं करते, उनकी पसंद साधारण भोजन, शुद्ध हवा इत्यादि से संबंधित है। फिफ्थ जो पॉइंट है उसका नाम है संयुक्त परिवार यानी कि जॉइंट फैमिली। तो जैसा कि आप भी जानते हैं कि ग्रामीण समुदायों में जॉइंट फैमिली ज़्यादा देखने को मिलती है। जॉइंट फैमिली में क्या होता है कि एक ही परिवार में तीन या चार पीढ़ियों के लोग एक साथ रहते हैं, और इन सब में भोजन का, संपत्ति का, पूंजी का क्या होता है, शेयर करना पड़ता है। और साथ ही परिवार का जो मुखिया होता है वही परिवार के सारे निर्णय लेता है, और अदर सदस्यों को उन निर्णय का पालन करना पड़ता है। सिक्स्थ जो पॉइंट है उसका नाम है सामुदायिक भावना यानी कम्युनिटी फीलिंग। तो क्या होता है कि ग्रामीण समुदायों का आकार सीमित होने के कारण वहां के सदस्यों में एक दूसरे के बीच में हम वाली भावना यानी भाईचारे की भावना ज़्यादा देखने को मिलती है। फिर चाहे व्यक्ति कितनी भी मुसीबत में हो तो सभी लोग उस व्यक्ति की मदद करते हैं, और साथ ही बड़ी बड़ी महामारियों से, आपदाओं से पूरा गाँव एकजुट होकर लड़ता भी है। उदाहरण के तौर पर जैसे बाढ़ का आ जाना, भूकंप का आ जाना, सूखा पड़ जाना, महामारी आ जाना इत्यादि का मुकाबला सारे मिलजुल कर करते हैं। और साथ ही लोग क्या करते हैं, इस फीलिंग को क्या करते हैं, प्राउड मानते हैं यानी गर्व करते हैं इस बातों पर। तो आप समझ सकते हैं कि इनके बीच में सामुदायिक भावना भी ज़्यादा देखने को मिलती है। तो इसी के साथ ग्रामीण समुदाय से रिलेटेड जितने टॉपिक थे वो क्लियर होते हैं। आगे हम पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। आगे हम पढ़ते हैं नगरीय समुदाय यानी कि अर्बन कम्युनिटी के बारे में। आइए जानते हैं इसके बारे में हमें क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। तो देखिए, भारत में नगरों की संख्या और लोगों की संख्या में बहुत तेजी से वृद्धि हो रही है। वर्तमान समय में 5000 से भी अधिक नगर और कस्बे भारत में देखने को मिलते हैं। शहरी क्षेत्रों में लगातार जनसंख्या में वृद्धि होने के कारण वहाँ के लोगों का जीवन क्षेत्र है वो काफ़ी प्रभावित हुआ है, जैसे औद्योगिकरण, आधुनिकरण, यातायात व दूर संचार के विकास, शैक्षणिक, तकनीकी तथा वैज्ञानिक संस्थाओं के विकास से शहर के निवासियों में नई जीवन शैली भी विकसित हुई है। आगे हम जानते हैं नगरीय समुदायों की विशेषताओं के बारे में। पहला जो पॉइंट है उसका नाम है विभिन्न व्यवसाय यानी कि डिफरेंट ऑक्यूपेशन। तो देखिए, आप भी जानते हैं कि जब बात शहरों की आती है तो यहाँ पर क्या होता है कि जो लोग होते हैं वो विभिन्न व्यवसायों में बटे हुए रहते हैं। बहुत सारे जने जॉब भी करते हैं और बहुत सारे जने व्यवसाय यानी कि अपना बिजनेस भी चलाते हैं। अगर उदाहरण की बात की जाए तो यहाँ पर आपको इंजीनियर, डॉक्टर, वैज्ञानिक, मैनेजर, कुशल व अकुशल हर प्रकार के लोग देखने को मिलते हैं, और ये सभी लोग क्या करते हैं, अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में यानी कि अर्थव्यवस्था में वृद्धि लाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। दूसरा हम देखते हैं जनसंख्या की अधिकता यानी कि लार्ज पॉपुलेशन। तो देखिए, आप भी जानते हैं कि जब बात शहरों की आती है तो यहाँ पर लोग क्या होते हैं, ज़्यादा मात्रा में निवास करते हैं, क्योंकि उनकी जो सुविधाएं होती है, उदाहरण के तौर पर जैसे शिक्षा का होना, स्वास्थ्य का होना, अच्छा रोज़गार मिलना, अच्छा खाना मिलना, अच्छी जगह का होना, ये सारी चीज़ें शहरों में ज़्यादा देखने को मिलती है। और एक यही कारण है जिसके कारण यहाँ पर लार्ज पॉपुलेशन यानी जनसंख्या की अधिकता भी पाई जाती है। तीसरा हम पढ़ते हैं आर्थिक वर्ग विभाजन के बारे में यानी डिवीजन इन इकोनॉमिक क्लास। तो देखिए, आप भी जानते हैं जब बात शहरों की आती है तो यहाँ पर क्या होता है, इकोनॉमिक क्लास अलग अलग लेवल में बटी होती है। एक तो होती है हाई लेवल जो पूंजीपति कहलाते हैं, एक होती है लो लेवल जो गरीबी रेखा में आ जाते हैं, और जो बीच वाले होते हैं यहाँ की जो जनसंख्या होती है वो सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलती है, जिसे हम कहते हैं मिडिल क्लास यानी मध्यम वर्ग।
तो इसके अंदर कैटेगरी क्या होती है, ज़्यादा हमें देखने को मिलती है। फोर्थ हम पढ़ते हैं प्रतिस्पर्धा यानी कि कॉम्पिटिशन के बारे में। तो देखिए नगरीय संविधाओं में जीवन के हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ने के बहुत सारे अवसर जो होते हैं वो उपलब्ध होते हैं, और यहाँ पर लोगों में एजुकेशन को लेके और उनकी योग्यता यानी उनकी एबिलिटी को लेके कोई कमी देखने को नहीं मिलती। यहाँ पर अच्छे से अच्छे क्या होते हैं, लोग ज़्यादा पढ़े लिखे ज़्यादा एबिलिटी वाले हमें देखने को मिलते हैं, तो इसलिए यहाँ पर कॉम्पिटिशन भी ज़्यादा देखने को मिलता है। पाँचवा जो है उसका नाम है व्यक्तिवादिता। तो देखिए जिस तरीके से गांव में क्या होता है कि लोगों के बीच में एक सामुदायिक भावना हमें ज़्यादा देखने को मिलती है, तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात नगरों की जाए तो यहाँ क्या होता है कि लोगों के बीच में व्यक्तिवादिता ज़्यादा देखने को मिलती है, यानी कि वे इंडिविजुअली काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं, और उनका उद्देश्य भी यही होता है कि वह ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज का यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा धन कमा सकें, और यही इनके जीवन का अंतिम लक्ष्य देखने को मिलता है। अगर बात की जाए परसेंटेज में तो हालांकि हर कोई ऐसा नहीं होता, लेकिन अगर मोटे तौर पर बात की जाए तो हमें ये जो सिचुएशन है यही देखने को ज़्यादा मिलती है। तो आई होप आपको नगरीय समुदाय और ग्रामीण समुदाय दोनों के बारे में अच्छे तरीके से डिफरेंट पता चल चुका होगा। अगला जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो उसमें आपको ये 2 नंबर में 4 नंबर में और 6 नंबर में तीनों कैटेगरी में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, जिसका नाम है राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति है वो 2000 वाली है। तो देखिए इसके अंदर क्या क्या बातें की गई थी। तो सबसे पहले जानते हैं कि जनसंख्या वृद्धि की समस्या को बड़ी चुनौती मानते हुए केंद्र सरकार द्वारा अलग अलग संगठनों, विद्वानों तथा जनांकिकी में रुचि रखने वाले लोगों व सरकार के विचार विमर्श द्वारा साल 2000 में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की शुरुआत की गई थी, जिसके कुछ मुख्य उद्देश्य रखे गए थे। आइए जानते हैं कि वो कौन कौन से थे। तो सबसे पहला था कि शिशु मृत्यु दर प्रति हजार 30 से नीचे लाना, दूसरा था मातृ मृत्यु दर 1 लाख जन्मों पर 100 से कम लाना, तीसरा था कन्या विवाह को देरी से करने को बढ़ावा देना ताकि पॉपुलेशन में क्या हो सके, नियंत्रण पाया जा सके, चौथा है जन्म मृत्यु विवाह व गर्भावस्था यानी प्रेगनेंसी का पंजीकरण कराना यानी उनका रजिस्ट्रेशन करवाना, गर्भ निरोधक तरीकों के व्यापक तरीकों का पता लगाना और इसकी जानकारी सभी लोगों तक पहुँचाना, 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान कराना, एड्स जैसी बीमारी का जो प्रसार है उसको रोकना, और साथ ही परिवार कल्याण कार्यक्रमों पर भी जोर देना। तो ये जो सारे पॉइंट थे, ये जो सारे उद्देश्य थे वो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 से जुड़े थे, जिसका सिर्फ एक ही मकसद था कि किसी भी तरीके से जो भारत में जनसंख्या वृद्धि हो रही है उसे नियंत्रण में लाया जा सके। हे दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर क्वालिटी कंटेंट वो भी सिंपल इजी टू ग्रैप्स लैंग्वेज में रेगुलरली हम पोस्ट करते रहते हैं, सो अगर आप भी अपनी स्टडी को लेकर सीरियस है और प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो जल्दी से ताकि फ्यूचर में कोई आप वीडियो मिस ना कर सके। आगे हम देख रहे हैं राष्ट्रीय जनसंख्या नीति। अभी इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 यानी जो 2000 में लागू की गई थी सिर्फ उसके बारे में पढ़ा था, लेकिन अब यहाँ बात हो रही है सिर्फ राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के बारे में। तो आइए जानते हैं इसके अंदर क्या बातें रखी गई है, इसकी क्या विशेषताएं हैं। तो देखिए अगर प्रेजेंट टाइम की बात की जाए तो भारत की जनसंख्या 135 करोड़ से भी ज़्यादा की हो गई है। ये जो आंकड़ा है वो 2018 का है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, ये आप भी जानते हैं। पहले नंबर पे चाइना है जिसकी पॉपुलेशन 139 करोड़ से भी ज़्यादा की है। और जिस तेज़ी से भारत में जनसंख्या वृद्धि हो रही है तो ऐसा कहा जाता है कि आने वाले दशक में यानी 10 सालों में भारत जो है वो चाइना को पिछाड़कर विश्व में जनसंख्या के मामले में पहला देश बन जाएगा। इस कारण क्या था कि समय समय पर भारत सरकार द्वारा जनसंख्या नीति बनाई गई थी, जिसके कुछ विशेषताएं थी जो कि इस प्रकार है। तो सबसे पहला जो इनका विशेषता थी वो थी कम जन्म दर यानी कि रिडक्शन ऑफ बर्थ रेट। तो आप भी जानते हैं कि जो जनसंख्या वृद्धि में सबसे बड़ा योगदान होता है वो जन्म दर का होता है, यानी जितने ज़्यादा बच्चे पैदा होते हैं उतना ही जनसंख्या ग्रोथ करती है। तो इस जनसंख्या नीति में क्या उद्देश्य रखा गया था, कम जन्म दर। कहने का मतलब यही है कि पहला जो पॉइंट है उसका नाम है कम जन्म दर यानी कि रिडक्शन ऑफ बर्थ रेट। तो देखिए सन 1947 के बाद से वर्तमान समय तक यानी प्रेजेंट टाइम तक मृत्यु दर में काफ़ी कमी आई है। जनसंख्या की वृद्धि को रोकने के लिए जरूरी है कि जन्म दर कम हो, तभी जनसंख्या कम हो सकती है। इसको ध्यान में रखते हुए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप की विधियों को अपनाया जाता है। इनडायरेक्ट तरीकों में जैसे कि गरीबी हटाओ कार्यक्रम,
लड़कियों में शिक्षा का विस्तार और साक्षरता दर में वृद्धि करना, ये सभी शामिल है। और इसी के साथ ही विवाह के लिए आयु निश्चित करना भी क्या है, जन्म दर में कटौती करने से यानी कम करने से। दूसरा हम पढ़ते हैं प्रचार यानी प्रोपेगेंडा के बारे में। तो इसमें क्या होता है कि परिवार नियोजन कार्यक्रम एक बड़े पैमाने पर शुरू किया जाता है। इसमें क्या होता है, लोगों को मुफ्त या फिर कम कीमत पर सामग्री बांटी जाती है। और इसके साथ साथ परिवार नियोजन यानी फैमिली प्लानिंग के लिए कार्यक्रम दूरदर्शन पर, मैगजीन पर, अखबारों में भी चलाए जाते हैं ताकि लोगों के अंदर जागरूकता ज्यादा फैले। तीसरा जो है वो है विस्तृत विषय क्षेत्र यानी वाइडर स्कोप। तो इसमें क्या होता है कि जो जनसंख्या नीति है उसका विषय क्षेत्र वो काफी बड़ा है, तो इसके अंदर जनसंख्या नियंत्रण की विधियों के अलावा दूसरे कार्यक्रम भी आ जाते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे हेल्थ यानी स्वास्थ्य, माताओं तथा बच्चों के स्वास्थ्य को भी लिया जाता है। वास्तव में ये जो कार्यक्रम चलाया जाता है वो खासकर परिवार कल्याण कार्यक्रम में क्या करता है, डेवलपमेंट करता है यानी विकसित करता है उसे। चौथा यानी कि जो लास्ट टॉपिक है उसका नाम है संगठन और शोध यानी ऑर्गेनाइजेशन और रिसर्च। तो इसमें क्या होता है कि परिवार नियोजन यानी फैमिली प्लानिंग कार्यक्रम से रिलेटेड जो पैसे होते हैं वो केंद्र सरकार देती है, लेकिन जो कार्यक्रम होता है उसे राज्य सरकारें लागू करती है। और यह कार्यक्रम पंचायत से शुरू होता है जो गाँव में देखने को मिलती है पंचायतें। इसमें क्या होता है कि जन्म दर को कम करने की विधियों की जानकारी लोगों को प्रोवाइड कराई जाती है और साथ ही इसके ऊपर रिसर्च भी की जाती है। तो इस तरीके से ये सभी के सभी साल 1947 से लेकर अभी तक क्या हो रही है, ये नीतियों को अपनाया जा रहा है और यही राष्ट्रीय जनसंख्या की विशेषताएं हैं। अगला जो टॉपिक है उसका नाम है साक्षरता यानी कि लिटरेसी। तो आइए जानते हैं सबसे पहले इसका क्या अर्थ होता है। तो देखिए, व्यक्ति वही साक्षर कहलाता है जो अपने जीवन में एक सरल वाक्य को समझ सके, लिख सके और पढ़ सके। तो आई होप आपको पहले से ये पता ही होगा, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं लिटरेसी के रेट के ऊपर यानी कि जो भारत के अंदर साक्षरता दर रही है 1951 से लेकर 2019 तक वो कैसी रही है, आइए जानते हैं इसके बारे में। तो जैसे कि आप ये इंडेक्स देख सकते हैं जो कि साल 1951 से शुरू हो रहा है और लास्ट जो है वो 2019 तक है, तो इसमें आप देखेंगे कि भारत के अंदर जो साक्षरता दर थी उसके अंदर कैसे कैसे धीरे धीरे वृद्धि हो रही है। और साथ में आप ये भी देखोगे कि पुरुष की तुलना में स्त्रियों में कितनी वृद्धि देखने को हमें मिल रही है। तो देखिए, जब साल 1951 का समय था तब भारत के अंदर जो लिटरेसी थी वो सिर्फ 18.3 थी, और ऐसी जब धीरे धीरे हम बढ़ते गए तो साल जब 2019 का आया तब ये भारत के अंदर लिटरेसी जो रेट है वो 79.5% ओवरऑल हो चुका, जिसके अंदर अगर पुरुषों की बात की जाए तो 83.7% और वहीं स्त्रियों में 74.8%, जबकि 1951 में ये जो लिटरेसी रेट था स्त्रियों में 8.9 था, जो कि बढ़ते बढ़ते 2019 तक 74.8% हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि भारत जो है किस दर से आगे बढ़ता जा रहा है। आप मुझे ये बताइएगा कि भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पे जो लिटरेसी है वो सबसे ज़्यादा है, और साथ ही वहाँ पे लिटरेसी कितनी है 2019 या 20 के डेटा के अकॉर्डिंग, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये वाला जो टॉपिक है वो इस लेसन का लास्ट टॉपिक है, जिसका नाम है भारत की 15वीं जनगणना के आंकड़े साल 2011 से रिलेटेड। तो आप भी जानते हैं कि भारत में जो लास्ट जनगणना हुई थी वो साल 2011 में हुई थी, अगली जो जनगणना आएगी वो साल 2021 में आएगी। तो इसलिए आपको लास्ट जनगणना के बारे में कुछ जो फैक्ट चीज़ें वो पता होना काफ़ी ज़रूरी है। तो आइए जानते वो कौन कौन सी है। सबसे पहले हम देखते हैं स्त्री पुरुष अनुपात के बारे में। तो देखिए, साल 2011 में प्रति हजार पुरुषों पर 943 महिलाएं थी, और सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो राज्य था वो था उत्तर प्रदेश, और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य बना था सिक्किम। ज़्यादा जहाँ पे मातृ मृत्यु दर थी वो थी उत्तर प्रदेश, और जहाँ पे कम मातृ मृत्यु दर देखने को मिली सबसे कम वो था केरला। अगर बात की जाए शिशु मृत्यु दर जो जहाँ पे सबसे ज़्यादा हुई थी तो वो मध्य प्रदेश, और बात की जाए अगर सबसे कम मृत्यु दर शिशु वाली तो मणिपुर। साक्षरता की बात करें तो पुरुषों में 80.9 थी और जबकि महिलाओं में 64.6% थी। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात की जाए तो सबसे बड़ा राज्य राजस्थान था, और क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर छोटे की बात की जाए तो सबसे छोटा राज्य गोवा था। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात एक आती है कि आप देख सकते हैं कि साल 2011 में जो स्त्री पुरुष अनुपात था वो प्रति हजार पुरुषों पर 943 महिलाएं थी, और जबकि साल 2020 के डेटा की बात की जाए तो यहाँ पर प्रति हजार पुरुषों पर 924 महिलाएं। तो आप देख सकते हैं जो महिलाओं की स्थिति है वो क्या हुई है, डिक्रीज हुई है। तो जब
महिलाएं पुरुषों से कम होती है, तो उसमें क्या माना जाता है कि ऐसी स्थिति को प्रतिकूल स्थिति माना जाता है जो कि महिलाओं के अगेंस्ट होती है। तो कुछ ऐसे राज्य है भारत में जहाँ पे प्रति हजार पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं हैं। उदाहरण के तौर पे आप स्क्रीन पे ये डेटा देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का हमारा ये जो चैप्टर है पूरी तरीके से फिनिश होता है, जिसके हमने तीनों पार्ट कवर कर लिए, पार्ट वन, पार्ट टू और पार्ट थ्री। तो गाइस, जैसा कि आप जानती है कि हर एक क्वालिटी वीडियो बनाने में और रिसर्च करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है, तो प्लीज़ शो सम योर लव। आपके सपोर्ट और लाइक्स की वजह से हम आपके लिए ऐसी वीडियोस बनाते रहते हैं। तो गाइस, आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई फीडबैक देना है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलेगा, ताकि आपको इस चैनल से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा जल्दी आपको नेक्स्ट वीडियो में।